पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जाने माने हॉकी खिलाड़ी मंसूर अहमद का बीती शनिवार 13 मई को निधन हो गया। लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे मंसूर ने भारत से भी इलाज की फरमाइश की थी, फिर इसके बाद हिंदुस्तान के एक अस्पताल ने फ्री में इलाज करने का फैसला किया था। बताते चले आपको, मंसूर अहमद ने पाकिस्तान को हॉकी विश्व कप जिताने में अहम रोल निभाया था। ओलंपिक में पाकिस्तान की तरफ से हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाले मंसूर अहमद बीते लंबे वक्त से दिल में लगे पेसमेकर और स्टेंट की वजह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे। जानकारी दे दें आपको कि मंसूर अहमद ने पड़ोसी मुल्क के लिए 388 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के साथ साथ साल 1994 में वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म किया था और उनकी ये पारी हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो गई थी। गौरतलब है बीते दिनों मंसूर ने एक वीडियो रिलीज किया था और कहा था कि मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ कई टूर्नामेंट जीते हैं और इसकी वजह से कई भारतीय लोगों का दिल भी तोड़ा है, तो ऐसे में मैं गुजारिश करना चाहता हूं भारत सरकार से कि मुझे मेरी बीमारी के लिए वीजा अनुरोध जो मैं कर रहा हूं उसको स्वीकार करें। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।